नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आपण पाहत आहात ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल। आपण आमच्या चॅनल वर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका, कारण उत्तम माहितीपूर्ण कृषी विषयक कार्यक्रम हे आमचं वैशिष्ट्य आहे आणि आपल्या कृषी विषयक अपेक्षा पूर्ण करणं ही आमची जबाबदारी आहे। तेव्हा शेवटपर्यंत आमच्या सोबत राहा। शेतकरी बंधूंनो, आजचा हा व्हिडिओ म्हणजे आमच्या काही दिवसांपूर्वी प्रक्षेपित झालेल्या हरियाणातील गायींच्या खरेदी विषयक कार्यक्रमाचं उत्तम यश म्हणावं लागेल। हरियाणातील पंडित डेअरी फार्म सविस्तर माहिती त्या कार्यक्रमात बघून त्याला आपण शेतकरी बंधूंनी दिलेला प्रतिसाद म्हणजे आजचा कार्यक्रम। शेतकरी बंधूंनो, सकस आणि भरपूर दुधाच्या गायींसाठी हरियाणा हे राज्य सुपरिचित आहे। उत्तम वाण, दर्जेदार जनावर ही वैशिष्ट्य म्हणजे हरियाणातील पंडित डेअरी फार्म असं जणू काही समीकरणच बनलं आहे आणि त्या दृष्टीनंच आपण आज ही माहिती जाणून घेणार आहोत। तुम्हाला यांच्याकडून गाई म्हशींची खरेदी करायची असेल तर स्क्रीनवरील नंबरवर संपर्क साधू शकता। भाइयों को पंडित डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार। आज से जो हमारा विजिट है दोबारा पंडित डेयरी फार्म पर है और पंडित डेयरी फार्म पर आज फिर पुणे से कस्टमर आए हुए हैं, तो सन्नी भाई से जानते हैं कि कस्टमर ने क्या परचेज किया है और किस रेट में उन्होंने गाय की खरीदी करी है। सन्नी भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया कहाँ से आए हैं ये लोग और तो थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहले तो ग्रेट महाराष्ट्र चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने चैनल पे हमारी वीडियो को प्रमोट किया। तो भैया आज अपने पास से पूना से कस्टमर आए हुए हैं, इन्होंने अपने पास से 10 एचएफ का गाय और 10 मुर्रा का बुफेलस परचेज किया भैया। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर किधर से आया आप, आपको पंडित डेयरी फार्म के बारे में कैसे मालूम हुआ और आपने कितने जानवर की खरीदी किया टोटल? मैं पूना से आया हूँ, पूना से उर्ली कांचन से। हमने 10 गाय आम्मी दा एचएफ गाय मसी खरीदी के लिए। तो सर आप एक एक करके अपनी गाय के बारे में बताइए, किस गाय का कितना रिकॉर्ड है, अगर रेट की बात की जाए तो रेट वगैरह कैसा लगा आपको? इसमें ना लगभग भैया ने लगभग ये लगा लो 45,000 50,000 से लेके और इसमें 70,000-75,000 तक का गाय परचेज किया। जो इसकी मिल्किंग कैपेसिटी की बात करें वो लगभग 18-20 लीटर से लेके और 35 लीटर 40 लीटर तक का गाय है भैया। तो भैया मैं आपसे जानना चाहूँ कुछ इधर पंडित डेयरी फार्म में कुछ रहने का कुछ खाने किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? कुछ दिक्कत नहीं आया, सब आदमी अच्छे, हमको खाना पीना अच्छा मिला सब। तो सर आप एक एक करके अपनी गाय के बारे में बताइए। सर ये पहले नंबर पे गाय है, इस गाय की डिटेल बताइए सर। ये गाय कितने का खरीदी किया आपने सर, बताइए थोड़ा सा। हमने गाय 75 में खरीदा है, 75,000 में। और अगर सर रिकॉर्ड की बात की जाए तो सेकंड इलेक्ट्रिशियन का गाय है भैया, सेकंड टाइम में ये गाय अभी बच्चा देने वाली है। और जो मिल्क रिकॉर्ड की बात करें भैया, पहली बार में इसने लगभग 26-27 लीटर दूध निकाला है। अब सेकंड बार में भैया 32-35 लीटर का आराम से इससे उम्मीद कर सकते हैं भैया। ठीक है भैया, सेकंड गाय के बारे में बताइए सनी भाई। भैया जो दूसरे दो गाय हमने मतलब पेयर में खरीदी थी, एक जगह से जोड़ा खरीदा था। ये जो गाय भैया हमने 92,000 का दोनों जोड़ा खरीदा, इसमें फर्स्ट की बछड़ी है और ये सेकंड टाइम बच्चा देने वाली है। तो भैया दूध कितना बताया इनका, दूध बताइए आप जो फर्स्ट और सेकंड टाइमर का, कौन सा सीमन बताया गया आपको? सनी भाई बताइए, आप बताइए। एबीएस किसी मन की गाय है भैया। और लगभग दूध की बात करें तो पहली बार भैया लगभग 22-23 लीटर दूध आराम से निकालेगी। दिखाइए सनी भाई थोड़ा बछड़े भी इधर करिए, ये देखो अदंत है भैया अभी बच्चे मुंह से। जैसे तक किसान भाइयों काफी शानदार बछड़ी है पहली बारी की, जो की मुंह से भी दूध आता है। और ये जो जोड़े की बात की जाए तो 90,000 और 92,000 का खरीदी किया किसान भाइयों ने। तो सनी भाई ये चौथे नंबर की गाय है, इस गाय के बारे में बताइए। ये भी गाय अभी ये हमने भैया 5 गाय ने मतलब एक ही जगह से परचेज किया है, 5 का 5 गाय। जो भैया इसकी मिल्क रिकॉर्ड की बात करें लगभग भैया 25-28 लीटर इनका पांचों का लगभग आपकी बात बच्चा देने के बाद रिकॉर्ड रहेगा। हमने एक ही फार्म से परचेज किए। अगर रेट की बात की, किस रेट में खरीदी गई है 5 गाय आपने? 61,000 रेट में पड़ी है। 61। तो सनी भाई थोड़ा गाय को इधर करके दिखाइए थोड़ा सा। हाँ खुलेंगे एक बार, सनी भाई थोड़ा इधर कर दीजिए गाय को। तो किसान भैया देख सकते हैं काफी वाजिब दाम में जो है पंडित डेयरी फार्म से किसानों ने जो है 10 एचएफ गाय की खरीदी करी है। आप देख सकते हैं काफी शानदार पशुधन है। अगर मिल्क की बात की जाए तो मिल्किंग कैपेसिटी इसकी 20 लीटर से 35 लीटर तक की रहेगी। इसके अंदर कुछ गाय फर्स्ट टाइमर और कुछ गाय इसके अंदर सेकंड टाइमर भी है। तो देख सकते हैं आप, अभी हम आपको एक एक करके सभी गायों को खोल के दिखाते हैं। तो सनी भाई किसान भाई आपसे कैसे जुड़े तो आप थोड़ा सा बताइए सर, अपना एक्सपीरियंस बताइए पंडित डेयरी फार्म से। मतलब इस टाइम ऑल ओवर महाराष्ट्र में भैया हर एक यूट्यूब चैनल पे हमारा वीडियो चल रहा है। तो भैया इन्होंने भाई लोगों ने अपना वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो उधर से इनका कॉल आया कि हमको गाय परचेज करने का है।
तो भैया उसी के रिगार्डिंग मैंने इनको अपना एड्रेस वगैरह बताया, इन्होंने अपना टिकट कंफर्म करवा के एक बार मुझे व्हाट्सएप पे डाल दिया भैया। उसके बाद भैया जैसा इनको माल लेने का था वैसा मैंने अपने पास मतलब माल रखा, तो भैया मतलब भाई लोगों ने आके 10 गाय परचेज की अपने पास और 10 भैंस परचेज की, ये टोटल 5 लोग आए। तो सर आप ये बताइए जो आपने भैंस या गाय की खरीदी करा तो आप टोटली सेटिस्फाई हैं पंडित डेयरी फार्म से? अगर रेट की बात की जाए तो रेट में कोई दिक्कत तो नहीं लगा कुछ आपको? कुछ रहने कुछ खाने किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं आया? घूमने का अच्छा हो गया। तो जो आपके मराठा मराठी भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हम मराठी में? एक बार पंडित देरी आकर वो नहीं क्या देख सकते है गाय, फिर आने के बाद परचेस कर सकते हैं, गारंटेड गाय, कुछ भी नहीं दिक्कत इधर नहीं क्या पैसे। अगर सर कोई किसान भाई आपके उधर जाके गाय देखना चाहते तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए एक बारी। हमारा एड्रेस उरुली कांचन है, पुणे जिले में है, उरुली कांचन टिलेकरवाड़ी करके हमारा गाँव है। तो सर आप टोटली सेटिस्फाई है पंडित डेयरी फार्म से? तो सनी भाई आप एक एक करके सभी गाय को खोल के दिखाइए। कोई बात नहीं सर, वो जो अभी दो गाय पेंडिंग है वो भी दिखा देंगे सर। भैया जो ये अपना गाय है ये अभी लगभग दूसरी बार में बच्चा देने वाला है, पहली बार में भैया लगभग इसने 25-26 लीटर दूध निकाला हुआ है, अब सेकंड बार में भैया हम इससे 30 प्लस की उम्मीद करते हैं। भैया मुंह से अभी गाय 4 दांत है और सेकंड टाइम अभी डिलीवर होने वाला है, 7 प्लस मंथ का प्रेग्नेंट है। तो किसान भैया देख सकते हैं काफी शानदार जो है प्योर HF नस्ल की गाय है जो आज सेल होकर पुणे के लिए जा रही है, और आप देख सकते हैं काफ़ी जो है फार्म इतनी गाय बिक्री होने के बाद भी इधर आप देख सकते हैं पूरा भैंसों का जो स्टॉक है फुल पड़ा है। देखिए पंडित डेयरी फार्म पे ये देख सकते हैं काफ़ी जो अभी भैंसें आराम कर रही हैं, तो आप ये देख सकते हैं कुछ गाय अभी इनके अंदर फोर सेल के लिए भी अवेलेबल है। अगर रेट की बात की जाए बहुत ही वाजिब दाम में जो है पंडित डेयरी फार्म गाय और भैंस की बिक्री कर रहे हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर। ये गाय खोल के दिखाइए भैया, अरे दूसरे नंबर की गाय देख सकते हैं फर्स्ट टाइम मेरा जो कि अभी मुंह से अदंत है, ये देख सकते हैं अदंत बछड़ी है अभी ये लगभग भैया अभी ये 7.5 से 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, और जो भैया मिल्किंग कैपेसिटी की बात करें तो लगभग भैया अगर सनी भाई कोई फार्मर इस लोट खरीदना चाहिए ऐसी 10 बछड़ी का तो किस रेट में उनको बछड़ी मिल जाएंगी? अपने पास 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में ऐसा लोट पूरा तैयार हो जाएगा, अदंत दो दांत बछड़ियों का, अदंत और दो दांत बछड़ी 40 से 50 हज़ार में लोट मिल जाएंगे। मदर फादर रिकॉर्ड की अच्छे रिकॉर्ड की बच्ची है भैया, और अदंत है अभी। और अगर सनी भाई भैंस की बात करें तो भैंस किस रेट में खरीदी गया है? लगभग 70,000 से लेके और भैया मतलब 70,000 में अपने पास से 10 लीटर वाली भैंस स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भी देख सकता है ये एक और बछड़ी है जो कि किसान ने 45,000 में खरीदी की है, तो ये देख सकते हैं ये सीमन और इसके रिकॉर्ड की बात बताइए भैया। ये वर्ल्ड वाइड की सीमन की बच्ची है और 8 मंथ से प्लस प्रेग्नेंट है अभी, ये मुंह से ये बच्ची अभी दो दांत ही है। लीजिए मोड़ लीजिए भैया। दूध की बात करें भैया पहली बार में 25 लीटर दूध बछिया बिल्कुल आराम से निकालेगी, काफी भारी वजनदार बछिया है और मतलब फेस क्वालिटी देख सकते हो, पैरों का डिजिटल स्कोर देख सकते हो आप, काफी शानदार है। सनी भाई ये हमारी फोर्थ नंबर गाय है, इस गाय के बारे में बताइए, 5 गाय खरीदी किया 60,000 के औसत से, 61 की एवरेज से परचेज किया एक ही फार्म से, और भैया ये सभी भैंसे 8 मंथ सभी गाय 8 मंथ के आसपास की प्रेग्नेंट है, और मिल्क रिकॉर्ड की बात करें तो भैया लगभग यही मतलब 22 से लेकर 25-26 लीटर तक का रिकॉर्ड है। मोड़ लीजिए इसे भैया, मोड़ लीजिए भैया, 5वें सेकंड टाइम में बच्चा देने वाली है और काफी शानदार गाय है भैया, रेट के हिसाब से भी और मिल्क और ब्रीड के हिसाब से भी काफी अच्छी गाय है भैया। तो किसान भैया जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप वीडियो पे कॉल कर सकते हैं हमें या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये देख सकते हैं कुछ गाय बिक्री होने के बाद जो भी पूरा फार्म जो है पंडित डेयरी फार्म पर हमेशा 40 से 50 पशु सेल के लिए अवेलेबल रहते हैं, और ये जो 5 गाय इन्होंने लोट में खरीदे देखिए दूसरे नंबर की गाय है इसके अंदर, ये देख सकते हैं ये काफी हाइट गाय है, मुझसे 4 दांत है अभी, और मिल्क रिकॉर्ड की बात करें भैया इसका भी लगभग 25 लीटर का आराम से रिकॉर्ड रहेगा, ये देख सकते हैं किसान भाइयों बहुत ही वाजिब दाम में जो है पंडित डेयरी फार्म पशु अवेलेबल करवा रहे हैं, देख सकते हैं काफी निगर बछड़ी है जिसको बोलते हैं। मोड़ लीजिए भैया, मोड़ लीजिए, तो सनी भाई अगर भैंसों की बात की जाए तो अभी भैंसे किस रेट से किस रेट में अवेलेबल हो जाएंगी? लगभग अभी 70,000 से लेके और 1,10,000-20,000 तक का 20 लीटर वाला अच्छा भैंस मिल जाएगा भैया, भैंसे भी लगभग अपने पास भैया 35 से 40 भैंसे और लगभग 20 गाय हमेशा अवेलेबल रहती है भैया सेल के लिए, लगभग टोटल 50 प्लस जानवर अपने फार्म पे अवेलेबल। तो ये तीसरे नंबर गाय ये भी सनी भाई 60,000 के रेट से दिए हैं, 61 की एवरेज में गई है, 5 गाय है उनमें से ही भैया तीसरे नंबर वाली गाय है ये भैया, अभी 7.5 मंथ की प्रेग्नेंट है, इसमें अभी 1.5 महीना टाइम बाकी है और इसका भैया लगभग 22 से 25 लीटर का आराम से रिकॉर्ड रहेगा भैया। चलाइए सनी भाई थोड़ा गाय को, ये मुझे 6 दांत है अभी सेकंड टाइमर और मुझसे भी 6 दांत है देख सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड बायर है महाराष्ट्र से वो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सही दाम में गाय और भैंस जो है। अगर सनी भाई इस बछड़ी की बात करें इसके सीमन के बारे में बताइए और इसके रिकॉर्ड के बारे में बताइए। ये अपने NDRI सीमन की बच्ची है
और भैया अपने मतलब ये लगा लो ये अभी 8 मंथ से ऊपर 5-6 दिन ऊपर हो गई है, अभी लगभग 120 दिन बाकी है बच्चे देने में। कम्पैक्ट ऑर्डर की बच्ची है भैया, और आप देख सकते हो हाइट लेंथ हर एक चीज पे परफेक्ट है बच्ची है बिल्कुल। और भैया जो इसका रेट का बात करिए, ये भी उसी 61 के लोट में, और दूध भैया 25+ किसकी गारंटी है बच्ची? मोड़ लीजिए भैया, मोड़ लीजिए इस गाय को भी। तो किसान भैया देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है पशुधन पंडित डेयरी फार्म किसानों को अवेलेबल करवा रहे हैं, और काफ़ी देख सकते हैं यंग युवा हैं जो काफ़ी बड़ा फार्म चला रहे हैं, देख सकते हैं आप हमेशा 40 से 50 भैंस इनके फार्म पर गायें अवेलेबल रहते हैं सेल के लिए। सनी भैया अगर इसकी बात की जाए ये भी उसी लोट में जा रही है, उसी लोट में ये भी, और इसकी भी मिल्क रिकॉर्ड की बात करें लगभग भैया 25+ की इसकी भी गारंटेड रिकॉर्ड है भैया। ये अभी 8 मंथ की प्रेगनेंट है, इसको लगभग अभी 1 महीने का टाइम बाकी है बच्चे। मोड़ लीजिए भैया, मोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए। सनी भैया अगर ये दोनों गाय की बात करें तो जो अपना प्यारा है हमने भैया 1.5 लाख में दोनों गाय परचेज किया है, और मिल्क रिकॉर्ड की बात करें भैया लगभग 35-35 लीटर का दोनों गायों का रिकॉर्ड है, काफी वजनदार ऊंची लंबी गाय है भैया दोनों। मोल लीजिए सनी भाई, मोल लीजिए दोनों गाय। तो किसान भैया देख सकते हैं काफी जो है 1.5 लाख में इन्होंने 30 से 35 लीटर का दो गाय खरीदी किया है 75,000 में, ये देख सकते हैं काफी टॉप का जो है पशुधन है ये दोनों गाय, देख सकते हैं आप। तो जो भी इंटरेस्टेड बाय है वो पंडित डेयरी फार्म पर संपर्क कर सकते हैं। सर इन दोनों गाय के बारे में बताइए एक बार आप, जो दोनों गाय आपने खरीदी की है भैया। रोक लीजिए, रोक लीजिए भैया, ये दोनों गाय के बारे में बताइए सर। दूसरे 1,60,000 में जो आपने जोड़े खरीदे, तो सर कोई रेट ज्यादा तो नहीं लगे दोनों बछड़ी का आपको? ठीक है सर, तो मोड़ लीजिए भैया सनी भाई, बांध दीजिए एक बारी। तो देख सकते हैं किसान भाई काफी टॉप का जो है जोड़ा इन्होंने 1,60,000 में खरीदी की, देख सकते हैं। अगर भैंसों की बात की जाए तो किसान भैया देख सकते हैं इन्होंने 10 भैंस भी खरीदी की है पंडित डेयरी फार्म से, देख सकते हैं किसान भाइयों इनका भैंस का लोड भी तैयार हो चुका है। अगर भैंस की बात की जाए तो किसान ने भैंस कितना खरीदी किया है भैया? इन्होंने भैया ने अपने पास से 10 भैंस परचेज किया भैया, और जो भैंस की प्राइस रेंज की बात करें इन्होंने लगभग भैया 82,000 से लेकर 1 लाख तक का बफेलो परचेज किया है। तो सर अगर भैंसों की बात की जाए तो आपने भैंस मतलब कितने लीटर, कितने लीटर दूध वाला खरीदी किया है? 14 लीटर 12 लीटर वाली भैंस खरीदी की है, 80,000 से लेकर 1 लाख के रेट में आपने जो खरीदी, 1 लाख। तो आप सर टोटली सेटिस्फाई है पंडित डेयरी फार्म से? सेटिस्फाई हम दोनों। सर कुछ मराठी में कुछ मैसेज देना चाहेंगे फार्मर्स को? मशी पण इथं कर्नलला चांगले भेटतात, कर्नलला मशीनसाठी सुद्धा चांगलं फेमस आहेत, आणि हे आमचे पंडित डेअरी फार्मचे तिघ बंधू हनी सिंग आणि ते सनी भाई तिनो बेस में अच्छा काम करते इधर नाही का? तो चांगल्या गाई मिळत मिळाल तिथं आपण पण येऊ शकतो नाही का? टोटली सेटिस्फाई है सर पंडित डेयरी फार्म से? तो ये 10 भैंस का किसान भी देखते हैं, 10 भैंस भी जो है लोड हो रहे हैं इनका। तो ये देख सकते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं हम आपको, सिर्फ एक गो थ्रू तरक करा रहे हैं भैंसों का भी, ये देख सकते हैं ये 10 भैंस भी इन्होंने जो है पंडित डेयरी फार्म से खरीदी की है 80,000 से लेके 1 लाख के रेट में, देख सकते हैं काफ़ी जो अच्छा मोटा मोटा भैंस इन्होंने खरीदी किया है, ये देख सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड बायर हैं वो पंडित डेयरी फार्म से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप 10 भैंस और 10 गाय आज इनका लोड होकर जा रहे हैं पुणे महाराष्ट्र के लिए। तो सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारे फार्मर हैं सनी भाई, तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबे करते, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सनी भाई कुछ मैसेज देना चाहेंगे फार्मर को? सभी किसान भाइयों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो कोई भाई मतलब मुर्रा की भैंसे HF की गाय या क्रॉस ब्रीड की गाय परचेज करना चाहता है वो एक बार हमारे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकता है भैया। ऑल ओवर महाराष्ट्र में हमारा डिलीवरी है, कोई भी भाई लगभग 5, 6, 10, 20, 30 जितना जानवर परचेज करना चाहता है सिर्फ भैया आने से अपने पहले इन्फॉर्म कर दो हमको, और भैया अच्छे से अच्छे जानवर आपको प्रोवाइड करेंगे फुल गारंटी के साथ भैया जी। नमस्कार सनी भाई। नमस्कार।